और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी भारत के एक ऐसे नेता और 16वीं लोकसभा चुनाव के एक ऐसे विजेता है जिन्होंने पूरी दुनिया में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में निडरता से भारत की छवि को प्रस्तुत किया है। अपनी बुद्धि, विवेक और सहयोगियों के बदौलत भारत के देशवासियों समेत देश के विकास और तरक्की के लिए ऐसे कदम उठाए हैं जिसके बारे में किसी नेता ने कभी सोचा ही नहीं। नोटबंदी और GST जैसे फैसलों के कारण मोदी की आलोचना बेशक हुई, लेकिन इसके बावजूद ये अपने लक्ष्य से नहीं भटके, निरंतर अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहते हैं। यही वजह है कि आज मोदी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी है। मोदी की इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत में 50% से भी ज्यादा जनता एक बार फिर 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव के विजेता और दोबारा से 15वें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता में से एक नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर ग्राम में एक सामान्य परिवार में हुआ। माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में से तीसरे पुत्र थे। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। बचपन में नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही नरिया कहकर पुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। मोदी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ वह मात्र 17 वर्ष के थे। मोदी के जीवनी लेखक के मुताबिक दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा ही हो गया। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामाकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात RSS के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल संघ सेवक की शपथ दिलाई थी। वे RSS के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। RSS नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने RSS के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। मोदी जब विश्वविद्यालय में छात्र थे तभी से वे राष्ट्र संघ सेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। 3 अक्टूबर 2001 को मोदी केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यालय 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात में कई विकास कार्य किए। इसी बीच वो दिन भी आया जब मोदी को 13 सितंबर 2013 को संसदीय बोर्ड की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मोदी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनाव अभियान की कमान राजनाथ सिंह को सौंप दी। मोदी की पहली रैली हरियाणा प्रांत के रिवाड़ी शहर में हुई। वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में
एक सांसद प्रत्याशी के रूप में मोदी ने देश की दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा, वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से विजय प्राप्त की। गुजरात की वडोदरा सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो सन 2001 से 2014 तक लगभग 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद रहते हुए बीते 5 वर्षों में मोदी ने दुनिया के सामने भारत की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की कि सारी दुनिया मोदी की मुरीद हो गई। आगामी अप्रैल या मई महीने से होने वाले वर्ष 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव के विजेता और दोबारा पीएम के लिए पहली पसंद मोदी ही हैं। अब देखना ये है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों का महागठबंधन मोदी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहता है।